हमने कुछ लाइब्रेरीज कॉल करनी है। बेसिकली हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं इस डेटा सेट में कि क्रेडिट कार्ड वालों को कौन से कस्टमर हमारे किस टाइप के हैं। फिलहाल हमने लाइब्रेरीज कॉल कर ली। अब हम चेक कर रहे हैं स्ट्रक्चर हमारे दोनों डेटा सेट्स का, और अब हमने मर्ज किया है क्योंकि मर्ज होने में थोड़ा सा टाइम दे रहा है, तो हम इसको टाइम दे देते हैं और ये मर्ज हो गया है। अब हम चेक करेंगे भाई हमारा ये है, और हमने इसको भी चेक कर लिया है। एक दफा ठीक से देखते हैं तो जनाबे अली कमर्शियल फैक्टर्स यस यस नो ठीक हो गया। इस हमारे काम की चीज़ जो है वो हमारे पास स्टेटस है जो कि हमने वो करना है प्रेडिक्ट सही। अब एक नज़र इसको हम इसकी समरी चेक करते हैं। हमें चेक करना है डेटा वैलिड है, डेटा क्लीनिंग करनी है, और दो के हमने रैंडम सैंपल और ले लिया है। 10 लाख में से 1 लाख हमने रैंडम सैंपलिंग कर दी है जेड एक्स में। अच्छा अब हम हर हर वेरिएबल को चेक कर रहे हैं। काउंट फैमिली मेंबर्स सही है 1 से लेके 20। ऑक्यूपेशन टाइप भी हमने चेक कर ली, ऑल्दो कि यहाँ एक इशू है कि यहाँ इसका नाम मौजूद नहीं है, तो आप कोई भी नाम एक डाल दो जो वहाँ जो वेरिएबल खाली है, ये एक्सेल में हो जाएगा, इशू नहीं होगा इतना। फ्लैग ईमेल सही है, फोन सही है, फोन सही है, ठीक हो गया, ठीक है। वैसे अगर सब सारी चीज़ें सेम है तो वेरिएबल को रखने का कोई फ़ायदा है नहीं। एनी हाउ डेज एम्प्लॉयड नेगेटिव भी है और मैक्सिमम है, हमारे पास एक ये इशू है। डेज बर्थ सारे नेगेटिव में है, तो ये दो जो है वो पॉजिटिव में कैसे हो, मीन तो चलो उसकी वजह से पॉजिटिव आ गया, तो बेसिकली हमें ये चीज़ को चेक करना होगा। इसकी वेबसाइट पर इसका जो लिखा है फिर इस हिसाब से हम इसको कैटर करेंगे कि इसको चेंज करना है कि नहीं करना। या तो सारे नेगेटिव कर देंगे या तो सारे पॉजिटिव कर देंगे। ठीक, फिर इनकम टोटल भी हम चेक करेंगे। ये अपने हिसाब से कर लो भाई आप। इनकम टोटल नहीं, मेरा मतलब था डेज एम्प्लॉयड। या तो अगर सारे नेगेटिव है तो सारे नेगेटिव कर दो, या सारे पॉजिटिव है तो सारे पॉजिटिव कर दो। वेबसाइट पे जो हिसाब से इसका लिखा है वैसे होगा। हम बॉक्स प्लॉट बनाते ही इसलिए हैं ताकि हम चेक कर सकें क्या आउटलायर है कि नहीं, जो हमने अभी यहाँ पर मालूम किया। थोड़ा सा जूम करते हैं इसको। अब हमारा नॉर्मल ये है और हमारा आउटलायर ये ऊपर, इतना ऊपर है। ठीक है, ठीक हो गया। हमने अमाउंट टोटल का भी चेक कर लेते हैं। आउटलायर तो काफी है बट साथ है, उसका चेक करते हैं प्लॉट जो है इसका बन रहा। अच्छा तो प्लॉट यहाँ देख लो, ये इतने सारे हैं तो मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं, उनको हम हटाएंगे नहीं फिलहाल। ये क्या हुआ हमारा, ये हुआ है। ओके, डेज एम्प्लॉयड भी चेक कर लेते हैं भाई। प्लॉट में ये प्लॉट तो है वो टाइम लेता है यार। ये तो खुद लगा के, अच्छा चलो ये भी दिखा के दिखा देते हैं। टाइम ले रहे और कुछ नहीं, चलो ये आ गया। ओमेटेड 83,304 रोज, इसका क्या मतलब है कि अच्छा खासा ये अमाउंट मौजूद है, आप कितने सालों को चेंज करोगे, सब कुछ चेंज नहीं कर सकते ना। डेज एम्प्लॉयड
और ये चीज़ भी 99,923 अच्छे खासे रोज में, तो आप ये चेंज नहीं कर सकते। गेट डब्ल्यू डी तुम्हें बताएगा कि कहाँ पर तुम्हारा सेव हुआ है, और राइट जो है उसको सेव कर देगा, और कुछ नहीं है। अच्छा अब मैं एक चीज चेक करना चाह रहा हूँ, जेड थ्री स्टिल नॉट फाउंड, वाई नॉट, ओके लेट्स ओके जेड थ्री अब मिल जाए, इसको मिल गया है, गुड। तो अब मैं एक चीज Thank you.